हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले डीएम एंड डीएफ इन कॉन्वर्सेशन, डीएम के सवाल, डीएफ के जवाब। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि डीएम क्या क्या सवाल पूछते हैं डीएफ से और डीएफ क्या क्या जवाब देती है डीएम को। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग पर्सनल हीलिंग रीडिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये रीडिंग मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत कार्ड्स भी नहीं आए हैं, तभी भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर करने के लिए है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा, 2023 का अगस्त आ गया है और 2024 में पोर्टल बंद होने वाला है और मुझे बहुत जल्दी लगी है कि मैं आप लोगों को जल्दी 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 सब कुछ समझा दूं ताकि आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट सीधा कर लो और जिनका यूनियन हो सके वो हो जाए। ठीक है, तो मेरे लिए यही जल्दी का पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है। बस मैं आप लोग के लिए विश करती हूँ कि आप लोग को जल्दी जल्दी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए और जल्दी जल्दी सब कुछ आप लोग के लिए सही हो जाए और आपका यूनियन हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर यही सुन के यूनियन होना है तो यही सुनना जरूरी भी है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि डीएम क्या सवाल कहते हैं डीएफ को और उसके ऊपर डीएफ क्या रिप्लाईज देती है। ठीक है गाइस, तो डीएफ क्या रिप्लाईज देती है उसके लिए हमको दूसरे डेक की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक डीएफ हूँ, मैं बहुत कुछ आप लोगों को इसके ऊपर समझा सकती हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ डीएम के लिए कार्ड्स निकालेंगे और डीएफ का मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएम क्या पूछना चाहते, क्या कहना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट? यस, पॉसिबल है फॉरगेट और फॉरगिव करना। हम लोग ऑलरेडी कर चुके, आप लोग के मांगने से बहुत पहले ना हम लोग आपको माफ कर चुके। जिस दिन हमको गुस्सा आया था, जिस दिन हम लोगों को ऐसा लगा था कि भाई इसने हमको हर्ट कर दिया, हम रोए धोए, फिर हमने कुछ दिन बिताए, फिर हमने अपने आप को समझा लिया कि हमारा डीएम है और इसके साथ ही जिंदगी बितानी है और ये जो भी कर रहा है हमारे पास लाइफ कर्मा होंगे या हमारे जो भी होंगे और हमें ये सब जरूरी होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सपीरियंस करना, इसलिए कर रहे हैं। ये हमको शायद मिरर कर रहा है, हमारे शायद ट्रॉमास, टॉक्सिक पीपल और ये सबको मिरर कर रहा है और इसकी कोई गलती भी नहीं होगी, शायद ये भी इतना ही वूंडेड होगा तो इसको माफ कर देते हैं। और हम तुम लोग के सोचने से बहुत पहले हम आप लोगों को माफ कर चुके। ठीक है, लेट्स गो ऑन। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू didn't deserve that। वो हम जानते थे कि हम डिजर्व नहीं करते थे ये सब, लेकिन डीएफ डीएम को सिर्फ उसी वे में ट्रीट करती है जिस वे में वो डिजर्व करती है ट्रीट होना। ठीक है, वो चाहती है कि मेरे को ऐसा ट्रीट करो जैसे वो लैविशली डीएम को अपने रखती है, हर बात उनकी सुनती है, उनके लिए सब कुछ करती है, उनको गिफ्ट्स लाके देती है, उनकी हर बात प्यार से, उनके लिए हर बर्थडे ओकेजन मनाती है। तो डीएफ को भी ऐसा लगता है कि डीएम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे, डीएम की बातें सुनती है, हर्ट होती है लेकिन चुप बैठती है। तो डीएफ को भी ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई हम लोगों को ऐसे ही ट्रीट किया जाए, लेकिन जैसे तुम लोग ट्रीट करते हो, अफसोस, वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाती है। तुम दूसरों के साथ तो हो ही गई थी, तुम लोग के साथ भी हो ही जाती है और फिर हम बोलते हैं ठीक है जो भी है, जब होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कैंट डू दिस। तो आप लोगों को क्या लगता है हमसे हो पा रहा है क्या? पर हाँ, ये करना जरूरी है क्योंकि हमने इस कनेक्शन को मतलब लाया है, हम लेकर आए हैं इस ट्विन फ्लेम, हमने एक्सेप्ट किया है इन सबको। ऐसी बातें जानकर सुनकर हमें ऐसा लगता है कि लव इज इनफ, कि ये जितना भी हमने डैमेज फील किया है इस दुनिया में, ये लव ओवरकम कर लेगा सब कुछ। और जब हम एक दूसरे के साथ होंगे तो ये जितना भी डिफिकल्टी ये जर्नी रहा है उससे कहीं ज्यादा सुंदर हमारा यूनियन होगा। बस वही सोचकर हम लोग कर लेते हैं, हम अपने आप को गिरते हैं 100 बार, उठा लेते हैं 100 बार क्योंकि हमको लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। ठीक है, मे बी वी आर टू डिफरेंट। डेफिनेटली तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग को पता नहीं है कि तुम लोग कितने डिफरेंट हो, तुम्हारी सोच कितनी डिफरेंट है, हमारी कितनी ब्रॉड है, तुम्हारी कितनी नैरो है, या जो भी है, जिसका जो भी है। डीएफ का सोच थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर होता है क्योंकि
उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये सब के हिसाब से उसको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। यहाँ तक कि हम कोल्ड कॉफी पीना पसंद करते हैं, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को हॉट कॉफी पसंद है, हमको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरी डिफरेंट है, बंदे की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, बंदे की सोच डिफरेंट है, पता है, पर डिफरेंट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट्स अट्रैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, जो मेरे में कमी होगी वो अपोजिट होगा तो ही तो ना पूरा करेगा, ठीक है। एंड आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, वाओ, सच हैंडल कब हुआ है हमसे, हमें तो सच को हैंडल बचपन से चम्मच में घोल के दवाई की तरह माय मुंह में डाल दिया जाता था कि बेटा ये सच है दुनिया का, ले लो इसको पी, गले के नीचे डाल दिया जाता था हमारे कि सच है और इसको तुमको सुनना पड़ेगा और इसको तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नो वन इज एवर रेडी टू हैंडल एनीबडीज वर्ड्स, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हर्टफुल वर्ड्स होते हैं डीएम के और हम ये वर्ड्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो एक बार तो हमारे डीएम ने को हम बता रहे थे कि लोगों ने ऐसा किया, हमको ऐसे छोड़ दिया, वैसे छोड़ दिया, पता है हमारे डीएम का सामने से जवाब क्या आया, हमने मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट पे आ जाएगी बात वापस, उन्होंने ये कह दिया कि आप तो डिजर्व ही वही करते हो, वही करना चाहिए था आपके साथ, आपको के साथ बात करके अपना टाइम ये सब नहीं करना चाहिए था, अपनी एनर्जी नहीं करनी चाहिए थी, आप वही डिजर्व करते हो कि लोग आपको छोड़ के चले जाए विदाउट एनी दिस एंड क्लैरिटी। हम कुछ नहीं बोले उस समय क्योंकि हमको पता है कि हमको उस समय पता होता है कि इस समय हमें झगड़ा करना चाहिए अपने सेल्फ एस्टीम के लिए, लेकिन हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन है, इसलिए नहीं कि हमारे पास सेल्फ एस्टीम नहीं है। हम बोल सकते थे, बहुत तीखा तेज बोल सकते थे, लेकिन उस समय वो तीखा तेज वो डीएम सुन के हमें ब्लॉक करना चाहते थे, यही हमारा अंदर से थिंकिंग था, वो ब्लॉक करना चाहते थे कि नहीं ब्लॉक करना चाहते थे वो तो वो ही जानते हैं, लेकिन हमारी मेरी थिंकिंग की बात कर रही हूं मैं उस समय की, कि मेरे लिए यही था कि भाई अभी मैंने अगर इसके साथ झगड़ा कर लिया इसको एक रीजन मिल जाएगा मुझे ब्लॉक करने का, सालों साल मेरा यूनियन ब्लॉक हो जाएगा, तो हम नहीं बोले कुछ भी, ओटीएफ नहीं बोलेगी कुछ भी ऐसे तीखे स्टेटमेंट्स पे भी, चुप बैठेगी बस ऐसे बीएफ। और फिर मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया तो सामने वाले को लगा मैंने सुना ही नहीं, नहीं सुना, कान है बहरे नहीं है हम। ठीक है, द ग्रास वॉज इन ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये तो कल भी आया था। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई सामने वाला आपको जो भी दिखा रहा है वो रियल है? पहले लाइफ का लेसन ये किसी को भी स्कूल और कॉलेज में सिखाना चाहिए, जो तो आपको दिखाया जा रहा है अच्छा अच्छा पहले तो उस पर ही विश्वास मत करो, ठीक है। हमारे लिए ऐसे था कि जो स्टार्टिंग में सब अच्छे थे बाद में सब खराब हो गए थे, तो एक डेढ़ साल अच्छा चलते थे फिर अपने असली रंग दिखाते थे, तो हमारे लिए जो सामने से पहले दिन पे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है ना जैसे डीएम, तो हमको थोड़ा बहुत उस पर भी विश्वास हो जाएगा, लेकिन जो मीठा मीठा शक्कर की तरह बोल रहा है ना उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, सॉरी पहले ही बता दे रहे आपकी ये फॉर्मेलिटीज और ये सब दुनिया की जो भी हम त्याग चुके, क्योंकि दुनिया ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, हमने दुनिया को रिटर्न में एक्सेप्ट करना से रिजेक्ट कर दिया है, हम नहीं रहते इस दुनिया के वासी नहीं है हम, समथिंग इज स्टिल मिसिंग फ्रॉम मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। हां जी, वी आर मिसिंग फ्रॉम यू, वी आर द अदर हाफ ऑफ योर सोल, वी आर मिसिंग फ्रॉम यू। कैसे पता चला हमको? बहुत सारे साइंस मिले उसके बाद, मैं डीएम एनर्जी में गई, अपने डीएम की तरह चलने बोलने लग गई, उसकी सोच की तरह हमारी सोच बन गई, और तब हमें और सामने वाले को भी कंफर्मिटी मिल जानी चाहिए कि हम ही आपके बाकी के आधा हिस्सा है, डीएफ का एक सोल आधे आधे हिस्से में डिवाइड करके एक को फीमेल एक को मेल बॉडी दे दी गई थी। अब जाओ अपना जर्नी को कंप्लीट करो, एक दूसरे के साथ यूनियन करो और फिर भगवान के साथ आकर यूनियन करो। जिसका सोल ही आधा है तो लगेगा ही ना अंदर से कि कुछ मिसिंग हो रहा है। चलो गाइस अभी नेक्स्ट राउंड ले लेते हैं और दो तीन कार्ड और के साथ आप लोगों को जवाब भी दे देते हैं एज अ डीएफ कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है।
यू आर एन एंजल। हम लोगों को ये समझने में, जानने में कि वी आर समथिंग स्पेशल, हमारा कोई ऐसा है, हमारा कोई इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में, हमारा कोई लाइफ पर्पस है, ये समझने में हमारे 25 साल निकल गए। ठीक है, हमें आज पता है कि हम एक एंजल है, हम सिर्फ ये वेट कर रहे थे ये देखने के लिए कि आप लोग को कब रियलाइज होते हैं। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। मत करो इग्नोर, हमने नहीं किया था इग्नोर, अगर हम करते ना इग्नोर तो ये जर्नी शुरू ही नहीं होती। फिर आप लोगों को एक ऑप्शन होता है डीएफ के पास, ठीक है, क्योंकि साइन सबसे पहले, सब कुछ सबसे पहले डीएफ को दिखाया जाता है। ठीक है, डीएफ को पता चलता है कि ये सबसे पहले कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, और अगर मैं मानने से मना कर देती तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को, तो सामने वाले को वो अपॉर्चुनिटी मिलती, डीएम को वो अपॉर्चुनिटी मिलती पहले डीएफ के साथ अवेकनिंग होने के लिए, और तुम लोग कुछ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जान करके भी ना, मैंने ऐसे डीएफ देखे जो मेल एनर्जी मेल बॉडी में है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं डीएफ इन फीमेल बॉडी हूँ, बिकॉज मैंने वो एक फेमिनिन को एक इमेजिनेशन, एक हार्ट, एक ये सब होता है। डीएम सिर्फ करियर करियर करियर, मैंने ऐसे डीएम देखे हैं, ऐसे लड़के देखे जो डीएफ एनर्जी में जान करके भी विश्वास नहीं करना चाहते कि वो अलग है, जान करके भी कि सामने वाली ट्विन फ्लेम है नहीं विश्वास करना चाहते, और अगर विश्वास कर भी लेते हैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, और अगर एक्सेप्ट मनी मन में कर भी लिया है तो उसके लिए काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते है। ठीक है, अगर हम लोग ने नहीं किया होता ना तो आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिली होती, और आप लोग तो डेफिनेटली कुछ नहीं करते, और अगले 2-4 जन्म हमारे भी वेस्ट कर देते, इसलिए हमको करना पड़ रहा है ये काम। योर वर्ड्स लिंगर इन माय माइंड, आप लोग के भी वर्ड्स 24/7 हमारे माइंड में लिंगर करते रहते हैं, हम लोग भी 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, बट गलत नहीं सोचते, लव में सोचते हैं। आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट विथ यू, अब क्या फायदा इसका, अब हम आप लोगों की पूरी डीएम एनर्जी में जाकर स्टोरी समझ चुके हैं, अब हमें सब कुछ पता है। ठीक है, तो अब आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विथ यू डजंट वर्क विथ मी एनी मोर। स्टार्टिंग में यस यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट विथ मी, हम जैसे हो ना वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हम। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, एक डीएफ की बात कर रही हूँ। हम लोग को दिखावा नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए कि तुम हम लोग के साथ कोल्ड कॉफी पियो ताकि यू आर एक्सेप्टेड। जैसे हो वैसे ही पियो, हॉट कॉफी पियो अपने, लेकिन साथ में बैठे रहो, बस बात करो हमसे, बस यही चाहते थे हम। ये मास्क पहनने की जरूरत नहीं, ये मास्क ना अपने दुनिया वालों के लिए ही रखना। कार्मिक आप लोग को मास्क दिखाए, आप लोग कार्मिक को मास्क दिखाओ, आप दोनों मिलके दुनिया को मास्क दिखाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी सी बियॉन्ड रियलिटी। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।